नमस्कार, आप सभी को एक नई वैकेंसी हम इसमें देखेंगे जो कि आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की है, जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें लाइब्रेरियन की, लाइब्रेरी असिस्टेंट की, इसके अलावा लैब अटेंडेंट की अलग अलग जो है डिपार्टमेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट की है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट की, वेरियस आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की है। इसके अलावा इसकी जानकारी मैंने टेलीग्राम पर भी सबसे पहले शेयर किया हुआ है, यही नोटिफिकेशन। स्पेशली लाइब्रेरियन का टेलीग्राम आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, वहाँ पर आपको लाइब्रेरियन से रिलेटेड हर एक वैकेंसी की जानकारी समय पर सबसे पहले मिल जाती है। इसके अलावा हम बात करें, जो भी आपकी वैकेंसी जाती रहती है वो आपको यूट्यूब चैनल पर डिटेल में जानकारी मिल जाती है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ये वैकेंसी हम बात करें तो कहाँ से आ रही है, तो आत्मा सनातन धर्मा कॉलेज की तरफ से आ रही है और ये अंडर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, और इसका ये एड्रेस दिया हुआ है। ये इनका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है इंस्ट्रक्शन का, और इन सभी का अलग एक जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जब विजिट करेंगे सभी के अलग अलग पीडीएफ दिए हुए हैं। फी की हम बात करें 500 रुपीज़ है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फी यहाँ पर चार्ज नहीं की जा रही है, सॉरी एससी एसटी के लिए 300 रुपीज़ है और नो फी फॉर पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पर हम बात करें कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तो आपका 11 अप्रैल तक ये रहेगा, और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 से शुरू हो चुके हैं, 22 मार्च से, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो विजिट करते हैं। उससे पहले आप सारी वैकेंसी देख सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 4 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की यहाँ पर 6 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर 2 पोस्ट है, तो ये सारी वैकेंसी आप देख सकते हैं। तो ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का ये है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, और ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन का है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपका लिंक यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो ये रही चीज़ें, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन लाइब्रेरी की हम बात करें तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ लाइब्रेरी। इसके अलावा पीएचडी डिग्री नेट, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो डिटेल में इसकी क्वालिफिकेशन है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर गिवन है, 10 पास होना चाहिए इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो 10वीं पास मिनिमम यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम सीधा बात करें लाइब्रेरी अटेंडेंट की, तो यहाँ पर 10th पास साथ में सर्टिफिकेट कोर्स CLIS आपका है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। तो इस तरह से आप सारे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके आप और भी वैकेंसीज की जानकारी ले सकते हैं। अभी भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर हम विजिट करके देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको जो है अप्लाई करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोज़ लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।